वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब अभी अभी हम मूवी देख के आ रहे हैं लाल सिंह चड्ढा स्टारिंग आमिर खान एंड करीना कपूर, विच इज एन ऑफिशियल एडेप्टेशन कह लो, रीमेक कह लो, जो मर्जी कह लो, ऑफ फॉरेस्ट गम, जो कि कल्ट क्लासिक सी मूवी है। लेकिन हम वो मूवी देखे नहीं है, तो वो कंपैरिजन जो है कितना जस्टिफाई कर पाया नहीं कर पाया, क्या अच्छा है उसमें, क्या इसमें खराब है, या फिर ये सब चीजें हम इसलिए नहीं बता पाएंगे। सो दिस इज होली एंड सोली अ रिव्यू ऑफ लाल सिंह चड्ढा एज अ न्यू फिल्म मेरे हिसाब से। अब देखो, आमिर खान जिस तरह की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, मतलब उनकी फिल्में चाहे लंबी हों लेकिन वो परफेक्ट फिल्में होती हैं। थ्रू आउट द फिल्म आपको अलग अलग इमोशंस आएंगे और आप इंटरटेन रहते हो, आप इनग्रॉस रहते हो उसमें पूरी की पूरी, थ्रू आउट द जर्नी पूरी की पूरी फिल्म में। वो लाल सिंह चड्ढा में कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा मिसिंग लगा। उसका सबसे बड़ा रीजन निकल के आता है इसका स्क्रीन प्ले, क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले कहीं कहीं पे स्लो है, कहीं कहीं पे डल लगेगा आपको, स्ट्रेट सा फील होगा, क्योंकि इसका रन टाइम बहुत ज़्यादा है, 2 घंटे 45 मिनट का है। और अभी के टाइम में जो ऑडियंस का जो ड्यूरेशन है स्क्रीन टाइम का, या फिर अब जो जिस तरह से उनका अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी कम हो चुका है। सो लंबी फिल्म में हम लोग देख रहे हैं कि एक ड्रॉबैक है लंबी फिल्म में होना, जो कि यहाँ पे दिखता है आपको स्क्रीन पे, कहीं कहीं ड्रैगिंग लग सकता है। स्पेशली कुछ सीन्स हैं जो कि आपको थोड़ा सा इलॉजिकल भी लग सकता है इस फिल्म में, जो कि जिसका कि आपको, मतलब हमको लगता है कि मेकर्स ने ऐसा कुछ ट्राई किया होगा कि लॉजिक शायद ऑडियंस भूल जाए अगर ये जो सीन्स हैं जो हम डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैजिक वो क्रिएट कर दे। स्पेशली जिस तरह के सीन्स हम लोग के हिस्ट्री से उठा के डाला गया है, जो रिसेंट इवेंट्स वगैरह हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उस इवेंट्स को जिस तरह से डाला गया, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हो, चाहे वो कारगिल वॉर हो, चाहे वो गोल्डन टेंपल का अटैक हो, चाहे वो 26/11 हो, हर चीज़ को जिस तरह से डाला गया वो बेहतरीन है, नो डाउट। वो बहुत अच्छा लगता है देखने को, एक एक ही इंसान की कहानी में वो सब इवेंट्स आते हैं और किस किस तरह से आते हैं, वो सब जिस तरह से कनेक्ट किया गया वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहीं और कुछ भी ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि आपका दिमाग, मतलब लगता है आपको कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इस तरह से कैसे हो सकता है चीज़ें, तो वो चीज़ भी है जो कि वो जो मैजिक क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा था वो मैजिक कहीं ना कहीं क्रिएट हो नहीं पाया, और वो जो लॉजिक है दिमाग में वो चलने लगता है उसके बाद, और फिर वहाँ पे वो एक तरह से डिमेरिट साबित होता है फिल्म के लिए। हालांकि जो परफॉर्मेंसेज हैं इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन है, आमिर खान परफेक्शनिस्ट हैं, वो जाने जाते हैं कि वो पूरी तरह से अपने रोल में झोंक देते हैं, कितने भी साल लगे किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लगे वो करके दिखाते हैं, वो एविडेंट है फिल्म में, वो साफ साफ दिखता है। लेकिन उनका कैरेक्टर में ये बोलो नहीं बोलो, लेकिन ये फैक्ट है कि उनका जो हिंट है धूम 3 का कैरेक्टर हो या फिर PK का, वो डेफिनेटली दिखता है, स्पेशली उनके क्लीन शेवन लुक्स में काफ़ी ज़्यादा पता चलता है। वहीं जो उनका सरदार जी वाला लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा हमको, और उसी लुक में उनके 2 इमोशनल सीन्स हैं जो कि फ्लॉलेस हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है उनका। करीना कपूर का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उनका केमिस्ट्री आमिर खान के साथ काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। मानव विज का रोल हो, मोना सिंह का रोल हो, या फिर अकिनेनी जो है हमारे नागा चैतन्य, उनका रोल हो, वो जो है एक ह्यूमर, एक लाफ्टर, एक ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर इस फिल्म में लेके जरूर आता है। इस फिल्म का ह्यूमर काफी अच्छा है तो आपको डेफिनेटली वो हंसाएगा, लेकिन वही है वो लॉजिक वाला जो सीन है ना वो आपको कहीं ना कहीं खटक सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ चीजें बहुत इस तरह से डाली गई जो कि आपको बहुत हंसी भी आएगी, लेकिन अगर आप मान लोगे तो फिर वो आपको रिलेटेबल डेफिनेटली लगने लगेगा, लेकिन वो मनवाना ही ऑडियंस को हमको लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस फिल्म के लिए। शाहरुख खान का कैमियो के बिना इस रिव्यू को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि शाहरुख खान का कैमियो है इसमें, सबको पता चल गया था कल, 1 मिनट का कैमियो, लेकिन वो आते हैं और वो डेफिनेटली छा जाते हैं। सबसे ज्यादा शोर अगर किसी टाइम पे होगा इस फिल्म में डेफिनेटली दैट इज द एंट्री ऑफ किंग खान, यानी कि शाहरुख खान, और जिस तरह से उनको डाला गया बहुत मजा आता है, बहुत ही मजेदार उनका कैमियो है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही मजेदार उनका कैमियो है। एंड सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छा है, कुछ सीन्स कुछ फ्रेम्स आपको बहुत ही ज्यादा मेसमराइजिंग लगेंगे, तो विजुअली फिल्म काफी अपीलिंग है, काफी जबरदस्त है। स्पेशली कारगिल वाले सीन्स हैं काफी अच्छे से शूट किए गए हैं, लेकिन वहीं पर जो मानव बीच का जो कैरेक्टर का एंट्री होता है उसके साथ जो जो होता है वो कहीं ना कहीं अलग ही, मतलब सेंस देता है। हालांकि ये कहानी है, फिल्म है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, लेकिन फिर भी वो रिलेशन, मतलब जिस तरह का कनेक्ट होना चाहिए या जिस तरह से रिलेटेबल लगनी चाहिए वो चीज़ कि हाँ ये हो सकता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं हमको, एटलीस्ट मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, रिव्यू पर्सनली होते हैं, तो वो हमको कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। तो वहाँ पे जो मैजिक फैक्टर है ना वो मिसिंग चला गया इस फिल्म में मेरे हिसाब से। सो स्क्रीन प्ले और ये जो रिलेटेबिलिटी है उन दोनों के कारण हमको लगता है कि इसको थोड़ा सा बैकफायर देखने को मिलेगा। अब देखो क्या है कि आजकल फिल्में वैसे चल नहीं रही हैं बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन उन जो रिसेंट में निकली हैं फिल्में उससे ये फिल्म काफ़ी बेहतर है, इतना तो बताना पड़ेगा कि आमिर खान की फिल्में उन्होंने बेंचमार्क ही इतना ऊपर सेट किया हुआ है कि उससे थोड़ा भी नीचे आता है तो आदमी को खटकता है कि यार आमिर खान के लेवल की फिल्म नहीं है, तो वो डेफिनेटली इस फिल्म के साथ बोलना पड़ेगा कि ये आमिर खान के लेवल की फिल्म से नीचे रह जाती है कहीं ना कहीं, और अब इसका जर्नी और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसके रिव्यूज जिस तरह से आएंगे, ऑलरेडी इतना नेगेटिविटी और ये सब ये फेस करी है, तो इसका जब हिट का टैग लेना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जो कि एक फैक्ट भी है कि बॉलीवुड में उस तरह की फिल्में नहीं बन रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पब्लिक उस तरह से थिएटर नहीं जा रही है। जिस दिन कंटेंट फिर से आना शुरू हो जाएगा, अच्छे कंटेंट बनने लगेगा, हमको लगता है डेफिनेटली ऑडियंस विल बी बैक। अब देखते हैं कि वो अगली फिल्म कौन सी होती है जो कि वो ब्लॉकबस्टर
टैग है, और जो परफेक्ट फिल्म जो बन के आती है वो बॉलीवुड में कब आती है ये थोड़ा सा नीचे रह गया है, वो मेरा ओपिनियन है। अब अगर आपने देख लिया लाल सिंह चड्ढा तो आपको कैसी लगी जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट रक्षाबंधन का रिव्यू भी बहुत जल्दी आएगा, सो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। कुछ और बात करनी इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।